अब जैसे अभी डेटा अपन ने है ना यहाँ पे ये सर्वर के थ्रू डेटा उठा करके, ठीक है, से यहाँ से इंडेक्स डॉट जेएसपी से यूआरएल से डेटा उठा करके, ठीक है, यहाँ पे सर्वर के थ्रू उठा करके लिया, फिर उसको सेशन ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट किया, फिर उसको भेजा, है ना, ठीक है। हेलो, हेलो हाँ ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं उठा करके सीधे हम सेशन से उठा करके भेज सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली सेशन तो जनरेट हो ही रहा है, तो यहाँ पे जैसे सर्वलेट लिया है वैसे ही अपन सेशन ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं डायरेक्ट, कुछ ऐसा इस तरह से, है ना। सर्वलेट की जगह पे क्या कर सकते हैं, सीधा अपन एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और जो वहाँ से डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग के रूप में आ रहा है, ठीक है, सीधे स्ट्रिंग के रूप में डेटा उठा सकते हैं यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे इसके जगह पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस कर दिया, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया एचटीटीपी सेशन, है ना, इसका नाम एसएन दे दिया। अब इसकी, ठीक है, अब सेशन में सीधे हम यहाँ कर देंगे सेट एट्रीब्यूट, यहाँ से जो डेटा आ रहा है, इस तरह से कोड अपना आसान हो जाएगा। देखो डेटा ये होम का यूआरएल है ना, वहाँ से उठा लेगा वो, यहाँ से ये वाला जो भी, हाँ ये जैसे होम के साथ में जाएगा ना स्ट्रिंग, तो वो अपने आप यहाँ पे रख लेता है और ये क्या रेफरेंस कर लेगा अपने आप। तो अपन ने यहाँ की ले लिया जिसमें ये एस वाला डेटा पास कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। थोड़ा कम समझता है, मतलब स्ट्रिंग जो है वो वहां से डेटा उठा लेगा। हाँ अपने आप उठा लेगा यहाँ पे, है ना, जैसे क्या बोलता है, नाउ व्हेन यू हैव सिंगल डेटा, अभी सिंगल डेटा है तो यू कैन पास वैल्यू डायरेक्ट एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। यदि यहाँ से सिंगल डेटा आ रहा है तो सर्वर से जाके उठाने की जरूरत नहीं है, एक से ज़्यादा डेटा है तब तो ठीक है सर्वर से उठाएंगे, लेकिन सिंगल डेटा है तो वो सीधे सीधे स्ट्रिंग के रूप में मिल जाएगा। अच्छा, हमको सिर्फ जो पेज है जो हमारा यूआरएल है यूआरएल के अंदर लिख देना हाँ है, ये ऐसा है मतलब। हाँ हाँ यहाँ पे जैसे यूआरएल में लिख दिया ना, ये एज अ स्ट्रिंग अपने आप रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग ही तो आई है। हाँ तो अपने आप यहाँ मिल जाएगा, फिर सीधे स्ट्रिंग वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में उठा लिया, और उसको फिर यहीं पे सेशन का अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बना करके यहीं पे, है ना, सेशन ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि जब हमारा अच्छा, सर्वर चलता है तो बाय डिफॉल्ट सेशन क्रिएट होता ही है, हर एक्शन पे हमारा ये हर बार सेशन जब चलता है वो सर्वर स्टार्ट होता है तो नया सेशन बनता है, ठीक तो उसको सेशन को रेफरेंस करने के लिए एचटीटीपी सेशन क्लास दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। जिसे इसमें अपन ने एट्रीब्यूट सेट कर दिया, एट्रीब्यूट का नाम कुछ भी दे दिया और वैल्यू ये डाल दिया जो स्ट्रिंग आ रहा था। अब सर्वर जो चला इसका पोर्ट यहाँ पे लिया क्या, A2A2 ही है, एट टू एट टू, ठीक है, लोकल होस्ट पे चलाते हैं। ठीक है, अपन ने होम पे क्लिक करा, है ना, डेटा लेके आया नहीं,
हाँ दिक्कत हुआ। होना तो चाहिए था। हेलो एक मिनट रुकना, फोन आ रहा। हेलो।